Welcome to Rizvi's e-learning channel. स्टूडेंट, अभी तक हमने जो कुछ भी थ्योरी में पढ़ा था, अब उससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया थ्रू अ कॉपर प्लेट ऑफ 45 mm थिक हुज वर्क फेस इज मेंटेन एट द टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द अदर फेस एट द 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे आपकी दो कॉपर की प्लेटें लगी हैं, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस आपको दिखा रहा है और बीच की जो डिस्टेंस है या थिकनेस है, लेंथ के थ्रू जिसे यहाँ पे डिनोट किया गया है, दैट इज 45 mm। थर्मल कंडक्टिविटी इन दोनों प्लेट के बीच की जो है, कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी जिसे हम कह सकते हैं, तो 370 W/m² है। आइए हम सॉल्यूशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास गिवन है, हम उसको समराइज कर लेते हैं। गिवन है हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड कॉपर प्लेट का टेम्परेचर। तो यहाँ से हम टेम्परेचर डिफरेंस dT की वैल्यू निकालेंगे। dT इज इक्वल टू, हम उसे लिख सकते हैं T2 - T1, दैट इज 50 - 350 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो अब इसकी माइनस में टेम्परेचर आएगा -300 डिग्री सेंटीग्रेड। लेंथ आपको दी है या डिस्टेंस आपको दी है, थिकनेस आपको दी है 45 mm। अब क्योंकि हमारा जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मीटर में, तो इस mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 मीटर। k की वैल्यू है आपके पास 370। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया थ्रू आउट द एरिया या थ्रू आउट द सर्फेस एरिया आपको नहीं पूछा है, यूनिट एरिया पर पूछा है, दैट मीन्स स्मॉल q की वैल्यू पूछी है। और ये स्मॉल q क्या हो जाएगा, टोटल जो रेट ऑफ हीट फ्लो जिस रेट से हो रहा है उसे अगर हम एरिया से डिवाइड कर देंगे टोटल सर्फेस एरिया से, तो आपको रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया मिल जाएगा। अभी हमने जो भी पढ़ा था फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से, हमने पढ़ा q की वैल्यू आई थी, q में इक्वेशन बनी -KA dT/dx, जहां पे हम dT को डिनोट कर सकते हैं T2 - T1 से। आइए पुट इट हियर, q की वैल्यू क्या रखते हैं, KA T2 - T1 / A dot T। यहाँ पे a से a कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल q के लिए जो आपका इक्वेशन बनेगी वो K T2 - T1 / dx, या इसे आप l भी कह सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, k की वैल्यू हो जाएगी -370 × यहाँ पर आप डायरेक्ट टेम्परेचर भी रख सकते हैं जो आपने T2 - T1 करके निकाला है, और चाहे तो T1 T2 की इंडिविजुअल वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, 0.045। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजीली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये -370 हो गया, और अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रख भी देते हैं 300 तो माइनस रहेगा 0.045, ठीक है। तो अब माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। अब इसे आप सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 2.466 × 10⁶ W/m² 2.466 W/m², ठीक है। अभी आप इसे ही लिख सकते हो, मिली वॉट में कन्वर्ट करोगे तो सॉरी 10⁶ वॉट पर मीटर स्क्वायर, और अगर आपने इसे मिली वॉट में कन्वर्ट कर दिया तो हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 2.466 MW/m². ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ये क्या है, ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, ठीक है। नाउ हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको यहां पर भी हीट फ्लो निकालना है और दूसरा है टेम्परेचर डिफरेंस।
8 पर आपका ये सरफेस का टेम्परेचर दिया हुआ है एंड 45 डिग्री सेंटीग्रेड दो टेम्परेचर दिए हुए हैं आपके सरफेसेस के, दो सरफेस के। अब आपको यहाँ पे निकालना है कि जिस रेट से हीट फ्लो कर रहा है अक्रॉस द प्लेन वॉल क्यू की वैल्यू एंड द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द फ्लो डायरेक्शन डी टी वाई डी। आपको यहाँ पे एल की वैल्यू पता थी जैसे 150 mm, जिसे हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो आ गया 50.15 meters। एरिया की वैल्यू है 4.5 meters square एंड डी टी की वैल्यू है T2 minus T1 से 45 minus 150, दैट इज -105 degree centigrade। थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू दी हुई है 9.3 W/m degree centigrade। अब हम यहाँ पे फूरियर लॉ हीट कंडक्शन की इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे और हीट फ्लो फॉर द प्लेन वॉल निकालेंगे। तो Q = -KA dT/dx से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। K की वैल्यू है आपके पास 9.3, A की वैल्यू है आपके पास 4.5, ये 9.3 हो जाएगी माइनस के, -9.3 × 4.5 T2 - T1 की वैल्यू आप लिख सकते हैं -105 upon L की वैल्यू है 0.15। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने के बाद जो आपको आंसर फाइंड आउट होगा ऑब्वियसली माइनस माइनस फिर से प्लस हो जाएगा और आपका जो आंसर आएगा वो 2.9452.5। वेरी फाइन।